Hello children, in this video you will get to know what is World Wide Web. World Wide Web kya hota hai? Okay, what are the applications of World Wide Web? World Wide Web kahan kahan use hota hai? Okay, how it works, ye kaise kaam karta hai aur uske kya attributes hote hai? Right, so let us start. World Wide Web www commonly known as the web is an information system where all the web resources, web pages, web documents, websites resides and are identified by their URL, uniform resource locator. So what does it mean? Iska kya meaning hai? World Wide Web kya hai? Ye information ka web hai. ओके, इंफॉर्मेशन का वेब है. मींस जो भी वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करते हो, ओके, वो कहाँ से एक्सेस करते हो? वो वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करते हो, राइट? तो जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये उस पूरी इंफॉर्मेशन का क्या है? वेब है. उस इंफॉर्मेशन का क्या है? एक जाला है, राइट? आप कैसे समझोगे? देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क. इंटरनेट एक नेटवर्क है. जैसे ये आपका कंप्यूटर वन है, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल. ये आपका वन कंप्यूटर है, ये आपका सेकंड कंप्यूटर है, राइट? ये आपका थर्ड कंप्यूटर है, दिस इज योर फोर्थ कंप्यूटर, और एनी डिवाइस, राइट? ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, राइट? लाइक दिस. तो ये क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया, राइट? दिस कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू दिस कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू दिस कंप्यूटर, लाइक दिस. ओके, दिस इज द नेटवर्क, फाइन? तो इंटरनेट इज व्हाट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस. ओके ओके, इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है डिवाइसेस का. ओके, और उस नेटवर्क के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी है, ओके, लाइक दिस. तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज लाइक अ बॉक्स, फाइन? इंटरनेट इज लाइक अ बॉक्स, और वो बॉक्स किससे फिल्ड है? वो बॉक्स इंफॉर्मेशन से फिल्ड है. ठीक है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? वेबसाइट्स की फॉर्म में, वेब पेजेस की फॉर्म में, वेब डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, राइट? तो ये जो इंटरनेट नाम का बॉक्स है वो किससे फिल्ड है? वो वर्ल्ड वाइड वेब से फिल्ड है. मतलब, और वर्ल्ड वाइड वेब इज व्हाट? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, फाइन? अब समझ आया व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट. बच्चे क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट समझ के कुछ भी डेफिनेशन लिख देते हैं. लेकिन क्या है? इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? दिस इज द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फाइन? और वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, राइट? टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था. ही रूट द फर्स्ट वेब ब्राउजर. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया. अब उसको एक्सेस करने के लिए भी क्या चाहिए? कोई हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? इंफॉर्मेशन का एक वेब डिस्कवर हो चुका है, राइट? Now how we can access that World Wide Web? Okay, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? He wrote the first web browser in 1990. तो उन्होंने जो first web browser की कोडिंग करी वो कब करी? 1990 में की, राइट? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब. वेब ब्राउजर की हेल्प से, ठीक है, हम क्या करते हैं? वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं. ओके, अगर आपके पास क्या है, आप अपने जो सिस्टम होता है उसमें कैसे इंटरनेट, उस कैसे आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हो? ठीक है, वेब ब्राउजर्स की हेल्प से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, इन सब की हेल्प से करते हो. ठीक है, तो क्या है? वेब ब्राउजर यूजेस द और अगर इंटरनेट होगा तभी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, राइट? इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नेटवर्क देन यू विल गेट द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? ओके, नेक्स्ट, रिसोर्सेज ऑफ द वेब आर ट्रांसफर्ड बाय द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट आई टोल्ड यू कि जब
इंटरनेट में क्या होता है, ऑल द डिवाइसेस फॉलो सर्टेन रूल्स एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर जब होता है तो बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे हमने इससे पहले किया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। ओके, तो क्या कहता था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या कहता था, जो भी मैसेज आता था उसको डिवाइड कर देता था पैकेट्स के फॉर्म में और रिसीव रेसिपिएंट कंप्यूटर पे उसको असेंबल कर देता था, राइट। ऐसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस में हेल्प करता है, हाइपर टेक्स्ट के ट्रांसफर में, फाइन। ओके ओके, आर एक्सेस बाय द यूजर्स बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर्स एंड आर पब्लिश बाय द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड वेब सर्वर। तो इसको सिंपल टर्म्स में समझो क्या है, वेब पर जो भी रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं, जो वेब रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं वो किसकी हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं। और वेब ब्राउजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। और ये रिसोर्सेज इंटरनेट पे पब्लिश कौन करता है, पब्लिश मतलब, पब्लिश करना मतलब इनको इस कंटेंट को ऑनलाइन अवेलेबल करना। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो जो भी सॉफ्टवेयर पब्लिश करता है मतलब उसको अवेलेबल कराता है इंटरनेट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो अपना अपना डेटा पब्लिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा पब्लिश करेगा, गूगल का सर्वर गूगल का डेटा पब्लिश करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स क्या करते हैं, अपना अपना डेटा पब्लिश कराते हैं, फाइन। तो सिंपल टर्म में यू शुड नो व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, दिस इज द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फाइन। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। www सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। ओके, द फर्स्ट वन इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, ओके, मल्टीमीडिया इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट मल्टीमीडिया क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, मूवीज, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यहाँ पे हमें जो डेटा अवेलेबल होता है वो मल्टीमीडिया फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, मूवीज, म्यूजिक, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन। ओके, सो हियर विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, वी कैन एक्सेस द मल्टीमीडिया, राइट। ओके, आप इंटरनेट से, वर्ल्ड वाइड वेब से क्या एक्सेस करते हो, पिक्चर्स आप एक्सेस करते हो, वो देखते हो, एनिमेशंस होती हैं। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। नो, वी हैव हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, द टेक्स्ट व्हिच कंटेन्स द हाइपरलिंक्स। ओके, और हाइपरलिंक्स क्या होता है, लिंक्स टू अनदर डॉक्यूमेंट, फाइन। अब देखो, हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट इज स्पेशली कोडेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, किस लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, HTML। ओके, द HTML कोड्स आर यूज्ड टू क्रिएट लिंक्स, और HTML कोड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिंक्स क्रिएट करते हैं। दीज लिंक्स कैन बी टेक्सचुअल और ग्राफिक्स, एंड व्हेन क्लिक्ड ऑन कैन लिंक द यूजर टू अनदर रिसोर्स सच एज अदर HTML डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड साउंड। तो इसका मीनिंग क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो किस टाइप के हैं, वो हाइपर टेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हम किस लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स HTML की हेल्प से क्रिएट करते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइपर टेक्स्ट की, हाइपर टेक्स्ट कंटेन्स द लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट के अंदर लिंक्स आप क्रिएट करते हो, राइट। और ये लिंक्स कैसे होते हैं, वो ये टेक्सचुअल लिंक्स भी होते हैं और ग्राफिक्स लिंक्स भी हो सकते हैं। आप पिक्चर पे क्लिक करके भी किसी भी डॉक्यूमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके भी किसी और डॉक्यूमेंट के पास जा सकते हो, राइट। तो आप जो लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, उनका यूज करते हो अदर रिसोर्सेज के पास जाने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल्स, ग्राफिक्स, जहां पे भी ये लिंक आपको कनेक्ट करता है वहां पे जाके अब वहां पे आप जा सकते हो, राइट। जैसे आप इंटरनेट जब यूज करते हो,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे हाइपर लिंक्स आ जाते हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाओगे, राइट। उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी आपको पिक्चर की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट पार्ट के पास ले जाते हैं, ये पिक्चर आपको अवेलेबल कराते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट या ग्राफिक्स, कुछ एनिमेशन या साउंड आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नाउ यू हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट, जो www है, ओके, वो आपको GUI प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, आप क्या कर सकते, आपको एक ऐसा इंटरफेस मिला हुआ है, एक ऐसा मीडियम मिला हुआ है जिसमें क्या है, ग्राफिक्स है, ओके, और ऑडियो इंडिकेटर्स हैं, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको इंफॉर्मेशन को, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो, राइट। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, मीडियम, मीडियम, वो मीडियम जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विद द वेब। ये कैसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से यूजर वेब से इंटरेक्ट कर सकता है, और कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, ग्राफिकल आइकन्स, आइकन्स की हेल्प से, ऑडियो इंडिकेटर्स की हेल्प से, बटन्स की हेल्प से, लेबल्स की हेल्प से। तो इट इज वेरी इजी टू यूज, वाई, बिकॉज वी हैव गॉट द GUI। यहाँ पे जब पहले GUI नहीं था तो क्या होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज हुआ करता था, जहाँ पे हर चीज के लिए आपको क्या करनी होती थी, कमांड्स लिखनी होती थी, राइट। लेकिन GUI इज वेरी वेरी इजी, ओके। यहाँ GUI जब आप यूज करते हो, आपको आइकन्स अवेलेबल होते हैं, बटन्स अवेलेबल होते हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड वाइड वेब, फाइन। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, मल्टीमीडिया, हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके ओके। नाउ हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स, वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है, ओके। वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये किस पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डिजाइन पर बेस्ड है। जैसे हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, सेम वी हैव दिस क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डिजाइन, ओके, राइट। नाउ सी, अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क इन कम्युनिकेशन एनवायरमेंट। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर में क्या है, हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होगा, सर्वर सॉफ्टवेयर। और क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब किस डिजाइन पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर डिजाइन पर, राइट, ओके। नाउ फर्स्ट वी हैव द क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड बाय अ क्लाइंट और यूजर टू रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर। क्लाइंट सर्वर वो सर्वर होता है जिसे यूजर यूज करता है, किस लिए, वो वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, ओके। तो जो क्लाइंट यूज करता है वो हमारा सर्वर, वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वेब ब्राउजर्स। अभी मैंने आपको बताया था, वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, राइट। तो क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, जो यूजर यूज करता है, किस लिए यूज करता है, इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट भेजने के लिए, राइट, ओके। नाउ वी हैव द सर्वर सॉफ्टवेयर। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज बाय द सर्वर टू आंसर द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सर्वर सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है, सर्वर यूज करता है, ओके। सर्वर कंप्यूटर यूज करता है। सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर सॉफ्टवेयर को यूज करता है, किस लिए, आपकी मतलब क्लाइंट सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट का आंसर देने के लिए, और क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, फाइन। अब देखो यहाँ पे ये आपका है क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, सॉरी, ये आपका है क्लाइंट, ये आपका यूजर है, क्लाइंट है, ओके। तो ये क्या यूज करेगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज करेगा, इसका क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ब्राउजर, ये इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फाइन। तो ये हमारे यहाँ पर, ये हमारा ये जो सिस्टम है वो क्या है, सर्वर है। सर्वर जो इसकी रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन रिसीव करेगा, जो सर्वर के अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है वो इसको रिसीव करेगा, राइट। ऐसे यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर ने क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया, सर्वर सॉफ्टवेयर ने उसको रिसीव किया, और जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये डेटा सेंड कर देगा क्लाइंट को, फाइन। सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेटा सेंड कर देगा क्लाइंट को, ओके।
और सर्वर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? गूगल वेब सर्वर, गूगल का सर्वर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओरेकल वेब लॉजिक सर्वर, ओरेकल का है ये सर्वर, आईबीएम वेब स्फियर एप्लीकेशन सर्वर। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट सर्वर क्या होते हैं, उनका सेटअप होता है सर्वर सेटअप, राइट। जहां पे क्या चलता है, सर्वर सॉफ्टवेयर उनका चलता है, जो क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइन। नाउ वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी वर्ल्ड वाइड वेब की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। यूजर फ्रेंडली, सबसे पहले यूजर फ्रेंडली है। www रिसोर्स वर्क स्मूथली विद मोस्ट वेब ब्राउजर सच एस इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेज को किसी भी वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सो मेनी वेब ब्राउजर्स आर देयर। तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है। ओके, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस दैट कंटेन वेरियस ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड टेक्स्ट। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, मल्टीमीडिया कंटेंट अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, राइट। ओके, इंटरेक्टिव, यू कैन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड्स इंटरेक्टिविटी यूजिंग हाइपरलिंक्स एंड इनपुट बॉक्सेस। ओके, अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड वेब जब आप यूज करते हो, आप जैसे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, क्या होता है, बहुत सारे हाइपरलिंक्स आपके पास आ जाते हैं। आप किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक करके किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जा सकते हो, और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारे हाइपरलिंक मिल जाएंगे। दोस हाइपरलिंक कनेक्ट यू टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, लाइक दे कैन कनेक्ट यू टू सम पिक्चर्स और सम डेटा, सम टेक्स्ट, राइट। तो ऐसे क्या है, ये इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। ओके, फ्रेम्स, वर्ल्ड वाइड वेब सपोर्ट्स फ्रेम्स दैट अलाउ यूजर्स टू डिस्प्ले मोर देन वन इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑन अ सिंगल वेब पेज। अब क्या, वेब पेज के अंदर क्या कर सकते हो, आप फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो, और एक वेब के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हो। ओके, आप जितने वेब पेजेस होते हैं आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, तो ये क्या, इट अलाउज टू हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट सेक्शन इन अ सिंगल वेब पेज, राइट। ओके, ये आपने देखा भी होगा, जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो जो आपका वेब पेज आता है वो क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है। यहाँ पे कुछ और नेम्स, लिस्ट ऑफ नेम्स डिस्प्ले करेंगे, बीच में कंटेंट, देन पिक्चर्स लाइक दिस। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो वन वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़।